तो दोस्तों आपका स्वागत है हिमसिंह टेक्निकल चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लैपटॉप्स की जो बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है उसको, उसके जो सेल है ये बड़े कीमती हैं और ये सेल्स कभी भी सभी के सभी ख़राब नहीं होते। ये बैटरी पैकिंग रूप में है लैपटॉप बैटरी और ये अभी वर्किंग नहीं कर रही और ये हमारी खुली हुई बैटरी है, अंदर से कुछ ऐसी है। ये इसका वो सर्किट है, ये पीसीबी है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये देखिए ऐसे चिपकी हुई है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल है, दो दो सेल का पेयर इसमें जुड़ा हुआ है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और ये नॉर्मल ये पत्ती है, इसके साथ बेल्ट है और बाकी ये आयरन किया हुआ है, तो कुछ भी इसमें नई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप इनको अलग करके देख सकते हैं, ये देखिए ये दो दो जुड़े हुए हैं आपस में, ये इनके बीच में ये कनेक्शन किए हुए हैं, ये देखिए। तो ये बैटरी हमने अभी लैपटॉप की निकाली है, ये सर्किट लगा हुआ है जी, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स पे। इनको अलग अलग कर लेते हैं, ये देखिए ये सारे सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इनको अलग कर लेते हैं और फिर इन सेल को चेक करते हैं कि क्या इनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सभी के सभी सेल डेड नहीं होंगे, इनको ठीक किया जा सकता है, इनको चेक किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए और एक कटर चाहिए। तो अभी हम एक मल्टीमीटर लाते हैं और एक कटर, जिसके जरिए हम इनको चेक करेंगे कि क्या ये सेल सारे के सारे खराब है या कुछ खराब है। तो बड़ा ही आसान है इसको चेक करना, अभी आपको चेक करके बताते हैं। तो ये सेल हम और जगह भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम दोबारा चाहें तो इनको ऐसे चपे दें और वापसी इस बैटरी केस के अंदर हम डाल सकते हैं। इसको बड़े केयरफुली, यहाँ पे लॉकिंग लगी हुई है, यहाँ से आप अनप्लग कर सकते हैं बैटरी को, ये निकल जाएगी और इसके अंदर से ये मैकेनिज्म निकलेगा आपके सामने, ये वाला। ये आपका लैपटॉप कनेक्टर है, ये उसका पीसीबी है, चार्जिंग सेक्शन है, ये 6 बैटरी हैं। तो अब हम इन बैटरियों को एक बार अलग कर लेते हैं, शोल्डरिंग वाली दुकान पर जाके आप इनको रीशोल्डर भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। हम क्या करते हैं, ये बैटरी खराब हो गई, हम नई बैटरी ले आते हैं। ओरिजिनल लेने जाएंगे तो करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये की बैटरी है और अगर नॉर्मल भी लेके आएंगे तो दे लोकल तो अभी 1500 से 2000 की बैटरी है। तो ये सभी के सभी सेल कभी डेड नहीं होते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और रिचार्जेबल सेल बोलते हैं इनको। तो ये देखिए रिचार्जेबल एक सेल मैंने निकाल दी है। तो ये सेल मार्केट में अवेलेबल भी है, कंप्यूटर्स की शॉप्स पे आप जाओगे तो ये सेल आपको मिल जाएंगे। तो जो सेल इसमें डेड है उसको रिप्लेस करके आप बैटरी को दोबारा से काम में ले सकते हैं, आपकी बैटरी काम करेगी और वर्किंग करेगी। तो हम आपको वो दिखाते हैं कि ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेल खराब है और कौन सा वर्केबल। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सभी कनेक्शन आयरन किए हुए हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं सारे कनेक्शन इसके ऊपर। ये सेंसर लगा हुआ थर्मल स्कैन सेंसर, ये वाला ये थर्मल सेंसर है। ये क्या काम करता है जी, इन सेलों की हीटिंग चेक करता है कि कहीं बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए। तो ये हमने सारी वायरिंग एक बार निकाल देनी है, बाद में हम शोल्डर आयरन के जरिए इसको दोबारा प्लग कर देंगे टोटल्स। तो ये कोई जम्मी चीज नहीं है, इन सारी को कनेक्शन को एक बार निकाल रहे हैं हम। ये देखिए ये चिपे हुए हैं सारी चीजें, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो ये एक सेल रह गया हमारा, ये भी यहाँ इसके साथ चिपका रखा है टेप से और फिर ये पत्ती इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये नॉर्मल शोल्डरिंग से भी आप इनको दोबारा प्लग कर सकते हैं। तो ये सेल हमने 6 के 6 निकाल लिए हैं, अब हम ये देखेंगे इनमें से वर्किंग सेल कितने हैं और डेड सेल कितने हैं। तो ये देखिए जी ये 6 सेल मेरे पास आ गए जी, 6 के 6 सेल। तो कभी भी ये सारे एक साथ ख़राब नहीं होते हैं, इन पर इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखिए जी सैमसंग कंपनी के सबसे बेटर सेल आते हैं, सैमसंग कंपनी के वही इसमें लगे हुए हैं जी। ये इसका कोड है,
22 फेराइट पे काम करेगा, एम्पियर सब कुछ लिखा हुआ जी इस पे। इन सभी सेलों पे कईयों पे गम आ गई है, उसमें से दिखाई नहीं दे रहे, सेम सब पे मार्किंग है जी। तो अब आपको लेना है एक मल्टीमीटर, इस तरह से मार्केट से मिल जाता है 100-150 रुपये का। इसको आपको सेट करना है डीसी वोल्टेज में। कहाँ सेट करना है जी? डीसी वोल्टेज के अंदर। डीसी वोल्टेज के अंदर आप इसको सेट करेंगे और फिर हम आपकी ये एसी वोल्टेज है यहाँ पे 750, ये डीसी वोल्टेज 20 वोल्टेज पर आप इन्हें सेट कर लीजिए। तो जीरो वोल्टेज आ रही है अभी, जीरो पॉइंट कुछ एयर में भी फ्रिक्वेंसी होती है, उस वजह से आपको मीटर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो अभी हम इनको चेक करते हैं कि इनमें, तो इनका जो हल्का सा देखिए, ये इंटरफेस पूरा ब्लैंक है, पूरे का पूरा। इस इंटरफेस की बात करें तो पूरा का पूरा ब्लैंक है। यहां पर हल्का सा देखिए कट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अभी हम इसे चेक करते हैं, ब्लैक वायर नेगेटिव की तरफ, रेड वायर पॉजिटिव की तरफ, तो हमें इसके वोल्टेज मिल जाएंगे जी। क्योंकि शायद बैटरी पूरी तरह से डेड थी कई दिन से, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही सेल, ये बिल्कुल डेड सेल आ रहा है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ही डेड सेल है जी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है जीरो, तो ये सेल बिल्कुल ही डेड है। अगला सेल लेते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए जी, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, ये बैटरी करीबन 3 साल से बिना यूज के पड़ी थी, पर इसमें वोल्टेज निकल के आ रही है, यानी कि जब हम इस सेल को चार्ज करेंगे तो ये वाला सेल वर्किंग करेगा। देखिए जी, तो ये हो गया हमारा वर्किंग सेल। अभी हमने एक पहले चेक किया था ये वाला, ये हमें क्या मिला था? बिल्कुल डेड सेल। तो मैं दोबारा चेक कराता हूँ आपको लगा के, इसके देखिए जी कोई वोल्टेज नहीं है, दिखाई दे रहा है जी, कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये हमारा डेड कैटेगरी का सेल, ये हमारा वर्किंग। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे दोबारा से इसको लगाए, देखिए जी क्या वैल्यू आ रही है, जीरो। ये भी इस बैटरी का डेड सेल है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये देखिए इसमें हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये सेल क्या है? वर्केबल। तो इस तरह से आप सेलों को चेक कर सकते हैं, ये सभी के सभी जरूरी नहीं है कि सेल डेड होंगे। नेक्स्ट सेल चेक करते हैं, ये देखिए इसमें तो पूरा करंट है जी, 3 वोल्टेज, ये सेल पूरी तरह से चार्ज है 3 वोल्टेज का। 3 वोल्टेज में मैक्सिमम करंट आना चाहिए प्रति सेल में फुल चार्ज होने के बाद, इसमें भी देखिए जी 3 वोल्टेज। तो हमारी पूरी बैटरी में आपने क्या देखा, 6 सेल थे, जिनमें 4 सेल क्या है इसके वर्किंग है, ये 4 सेल, इनमें करंट आ रहा है, कुछ में कम आ रहा है कुछ में ज्यादा, मगर ये वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ बैटरी खराब किस वजह से हुई थी? इन 2 सेलों की वजह से। अगर हम ये 2 सेल इसके रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी बैटरी पूरी तरह से वर्किंग हो जाएगी, मात्र 2 सेल। बाजार में सेल मिल जाता है 50 से 60 रुपए, सैमसंग कंपनी का लेने जाओगे तो शायद 200 से 250 रुपए का सेल है, लोकल कंपनी का 50 से 60। तो ये 2 सेल रिप्लेस करने से गाइस आपका बैटरी रिपेयर हो सकती है। 50 रुपए का सेल आता है तो कितने का हुआ? 100 रुपए खर्चा आया, बैटरी वही है, ये सारी तारें रीशोल्डर कर लीजिए, ये पीसीबी ऐसे कैसी है कनेक्शन कर दीजिए। आपसे नहीं होते कोई आपके मार्केट में, ये छोटे मोटे जो टीवी रिपेयर करते हैं,
सीडी प्ले रिपेयर करते हैं, ये इसको दोबारा कर देंगे, ले लेंगे 500 रुपये। तो मात्र 100-200 रुपये में आपकी ये बैटरी दोबारा वर्किंगबल हो सकती है। जिसको आप ओरिजिनल लेने जाओगे, ये बैटरी मेरे पास ओरिजिनल बैटरी है जिसके अंदर से सैमसंग कंपनी के सेल निकले हैं, वरना लोकल सेल निकलते, और ये चार्जेबल है। एक ट्रिक्स और है, अभी दोबारा दिखाएं इन डेड सेलों, ये देखिए डेड सेल है बिल्कुल क्लियर, इनके वोल्टेज दोबारा से चेक करके बता देता हूँ डेड सेलों की, कोई वोल्टेज नहीं है, देखिए बिल्कुल डेड है, जीरो से नीचे वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे, ध्यान दे, इतना एयर में भी होता है। ये दो सेल हमारे पास डेड है बिल्कुल, बाकी में वोल्टेज आ रहे हैं, देखिए जी, है ना डेड सेल। एक ट्रिक्स है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके पास कंप्यूटर जगत से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बेस ऐसी कमाल की वीडियो लाते रहेंगे, पर सपोर्ट चाहिए गाइस, सपोर्ट तो आप देंगे ना। एक ट्रिक्स है, अभी इन डेड सेलों को भी मैं वर्किंग कर दूंगा, जादू है, कोई बड़ा जादू नहीं है, साइंस है। इन सेलों में गाइस प्रेशर के लिए एक गैस भरी हुई है, वो गैस ओवरहीट होने की वजह से ये सेल चार्ज होना बंद हो जाते हैं। मैक्सिमम लैपटॉप बैटरी में 6 सेल होंगे, इस बैटरी में जब आप, मैंने इसे खोला, इसमें कितने सेल हैं, लगभग हर लैपटॉप की बैटरी में 6 सेल होंगे, दो दो के पेयर में लगे होंगे। अभी हमने चेक किया, ये 4 सेल वर्किंग है और ये 2 सेल डेड है, क्लियर। इन 2 सेलों को भी शायद हम वर्केबल कर सकते हैं, नया लाने की जरूरत नहीं है, तो देखते हैं कैसे। हल्का सा एक मार्केट से पेचकस जैसी चीज मिलती है, इसे बोलते हैं लाइनर, लाइनर की मदद से, या एक चिमटी आती है उसकी मदद से आप लाइनर या चिमटी की मदद से आप डेड सेलों को भी वर्केबल कर सकते हैं। बार बार बता रहा हूं ये डेड सेल है, दोबारा चेक करके भी बता देता हूं इन डेड सेलों को। ये मेरा मीटर है, सेल को नेगेटिव में यहां पंच किया, पॉजिटिव में यहां पंच किया, रीडिंग कितनी है गाइस, 0। करना क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव सिरे में इस रैपर को थोड़ा सा उतार लीजिए गाइस, निकाल लिया जी, यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट है, इनको हल्का हल्का दबा दीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। तो कई बार इनका प्रेशर थोड़ा सा डाउन करने पे, जो गैस का प्रेशर है, ये सेल वर्किंग करना भी शुरू हो जाते हैं। अभी ये नहीं किया गाइस, ये नहीं है वर्केबल, दोबारा ट्राई करते हैं गाइस। पॉजिटिव साइड पर हल्का सा कुछ ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इन प्रेशर पॉइंटों को दबा दीजिए, तो गाइस अभी हम चेक कर रहे हैं सेल को दोबारा से, अभी भी इसमें वैल्यूज नहीं आई है, देखिए कोई वैल्यू नहीं है। करना क्या है जी, सुई या चिमटी की मदद से यहां पे इनके गैस पॉइंटों को हल्का हल्का लीक कर लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अभी हम चेक करते हैं दोबारा से, नहीं गाइस ये बिल्कुल भी वर्केबल नहीं हुआ। देखते हैं गाइस, हमने इसके प्रेशर पॉइंट दबाए हैं और अब वोल्टेज चेक करते हैं, तो ये देखिए 1 सेल वर्किंग में आ गया जी, दिख रहा है आपको 1.5। तो यही तो करना है गाइस, और अगर नहीं भी, मान लीजिए रिपेयर नहीं भी होता है, ये सेल नहीं रिपेयर हुए, एक हो गया एक नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है, सेल मार्केट से लाएं, 50-60 रुपये का लोकल वेंडर से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको ऑनलाइन ले आए, मंगवा लीजिए। सैमसंग कंपनी में तकरीबन 200 रुपये का है, लोकल कंपनी में 50-60 रुपये का, इसको ले लीजिए, और ये बैटरी का पूरा सिंबल
आप रेडी कर सकते हैं गैस। तो इसको ये पीसीबी अगर आपके, मैं तो टेक्निकल हूँ, आईटी से ही हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। ये देखिए दो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये थर्मल सेंसर है इसका, और ये फिर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव, इनको जोड़ना है, दोबारा से जोड़ दीजिए और ये वर्किंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो किसी वेंडर से जुड़वा लीजिए जो ये काम करते हैं आयरन का, बैटरी आपकी दोबारा से चलने के लायक हो जाए। कुछ भी नहीं करना गाइस। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए। एक छोटे से ट्रिक्स जिसके जरिए हमने आपको बताया कि कौन सा सेल चार्जेबल है, कौन सा सेल चार्जेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस पीसीबी को वापसी लगाएं तो क्या ध्यान रखना है, ये सेंसर, टेम्परेचर सेंसर उस पर लगाना ना भूलें। ये सेल के ऊपर ऐसे चिपका दीजिए और जो ये हमने बैटरी खोली है इसको वापसी यहाँ पे फेविक्विक से चिपका दीजिए, ये चिपक जाएगी। थोड़े बहुत निशान पड़ेंगे, उसको रेगमार या रेती से वॉश कर लीजिए तो आपकी बैटरी चार्जेबल हो जाएगी दोबारा से। कुछ भी नहीं है मुश्किल गाइस, इसको आप कर सकते हैं बड़ी इजी से।